हमारे मेन कैरेक्टर की शादी होती है पर हनीमून पर ही उसकी वाइफ का किसी और के साथ अफेयर हो जाता है। आगे बढ़कर फिर से उसे एक लड़की से प्यार होता है पर उसकी वाइफ फिर से वापस आ गई। जिस लड़की से वो प्यार करता था वो भी कमिटमेंट से डर रही थी। अब आगे क्या होगा ये हम आज के हमारे मूवी अलोंग केम पॉली 2004 की एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी में हम देखने वाले हैं। एक बहुत ही अच्छे से मैसेज के साथ आती है तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर रूपन को देखते हैं जो एक्साइटेड और थोड़ा सा डरा हुआ था क्योंकि आज उसकी शादी थी। वो सारी चीजें ठीक ठाक है या नहीं ये चेक कर रहा था क्योंकि एक इंश्योरेंस एजेंट है और रिस्क असेसमेंट का वो काम करता है। इसका मतलब है अगर कहीं भी कुछ भी रिस्क हो तो उसे दिख जानी चाहिए। अपनी वेडिंग में भी इसी रिस्क को ढूंढ रहा था। रूपन को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर उसका फ्रेंड सैंडी भी है। सैंडी ने अपने हाई स्कूल में एक बहुत ही फेमस मूवी की थी और उसी रोल की वजह से बहुत सारे लोग उसे जानते हैं पर उसके बाद बहुत सालों तक उसे कुछ भी काम नहीं मिला। रूपन से कहता है कि मुझ पर अब एक शो बनने वाला है। रूपन उसके लिए खुश था। सैंडी उसे पूछता है कि क्या तुम ये शादी करना चाहते हो। रूपन कहता है कि मिलिसा से बहुत प्यार करता हूं और उसी के साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूं। इसके बाद उसकी वेडिंग बहुत ही अच्छे से हुई। सब लोग उन्हें उनकी वेडिंग के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। रूपन अपने वाउज में लिखता है कि लिसा को मैं 4 साल पहले मिला था। वो मेरी अपार्टमेंट की एजेंट थी। उसी के एक मंथ बाद मुझे पता चल गया था कि लिसा के साथ ही मैं मेरी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। इसके बाद दोनों हनीमून के लिए जाते हैं। अलग अलग जगह देख रहे थे और रूपन लिसा से कहता है कि हमने जो एक बड़ा सा घर देखा था वो तुम्हें कैसा लगता है। लिसा ने कहा कि उसकी प्राइस बहुत ही ज्यादा है, हम उसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। रूपन ने उसे सरप्राइज करते हुए कहा कि मैंने ऑलरेडी हमारे लिए वो बाय करके रखा है। इस बात के लिए लिसा बहुत ही एक्साइटेड थी पर उसे कहती है कि इस तरीके से तुम्हें डिसीजन नहीं लेने चाहिए। बीच पर उनके पास एक न्यूड आदमी आया जो एक स्कूबा इंस्ट्रक्टर था। उनसे कहता है कि वो मेरी बोट है और मैं सब लोगों को स्कूबा डाइविंग के लिए इनवाइट कर रहा हूँ, अगर आप चाहते हो तो मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो। रूपन को आइडिया उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता पर लिसा इसके लिए बहुत ही एक्साइटेड थी। रूपन का पेट हमेशा खराब रहता है और इसकी चीजें ट्राई करना उसे अच्छा नहीं लगता। उसने स्कूबा ड्राइवर इंस्ट्रक्टर के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकाली पर वो बेस्ट था तो कोई भी डरने की जरूरत नहीं थी। वो लिसा को ड्रॉप कर देता है और कहता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। लिसा भी ये बात समझ सकती थी। उसने क्लॉड से बात की और कहा कि मैं लिसा से बहुत प्यार करता हूँ, अगर उसे कुछ हो जाता है तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद रूपन अपने होटल में गया और वहां पर उसने कुछ टाइम स्पेंड किया। थोड़े टाइम में वो फिर से लिसा को लेने के लिए आता है। आसपास कोई देख नहीं रहा था तो उसने बोट के अंदर जाकर देखा तो वहां पर लिसा और क्लोड ये दोनों इंटीमेट हो रहे थे। इस बात से उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। लिसा कहती कि मैं बहुत ही कंफ्यूज हूँ, अब क्या करना चाहिए ये उसे भी समझ में नहीं आ रहा था। रूपन क्लॉड पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा था। क्लॉड कहता है कि हम दोनों में एक ही नजर में प्यार हो गया, हम दोनों बात करने लग गए और बात आगे बढ़ गई। क्लॉड से कहता है कि अब जो हो चुका है उसे तुम्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। रूपन ने अपने सारे बैग पैक किए। लिसा को कहता है कि अब तुम फिर से मेरी जिंदगी में कभी भी वापस मत आना। घर पर आने के बाद उसे बहुत अकेलापन महसूस होता है और लिसा को मिस कर रहा था। अगले दिन जब वो अपने काम पर आया तो हर कोई उसे सिंपैथी दे रहा था। वो ऑफिस में जाता है तो उसके लिए बहुत सारे कार्ड्स लोगों ने रखे हुए थे। वहां से गुजरते वक्त बॉस उसे कहते हैं कि मुझे तुमसे बात करनी है। रूपन उन्हें टालने की कोशिश करता है पर वो भी उसके साथ बाथरूम में आ गए। बॉस कहते हैं कि मुझे पहले लगा था कि लिसा का कैरेक्टर अच्छा नहीं है, तुम अगर छुट्टी लेना चाहते हो तो ले सकते हो। रूपन इसके लिए मना करता है। बॉस ने कहा कि तुम्हें एक बहुत ही बड़े से क्लाइंट को चेक करना है। कंपनी तो बहुत ही अच्छी है पर उसका जो ओनर है ये हमेशा रिस्की चीजें करता रहता है तो उसका असेसमेंट तुम्हें करना पड़ेगा। इस क्लाइंट का नाम था लेलैंड। रात में रूपन ने उसके और लिसा के लिए जो घर बाय किया था ये वो देखने के लिए गया। वो घर जाकर अपनी वेडिंग वीडियो देख रहा था पर वहां पर सैंडी आ गया। सैंडी वहां पर भी अपने फिल्म क्रू के साथ आया था। वो रूपन को समझाता है कि अब तुम्हें मूव ऑन करना चाहिए। रूपन को अभी भी लगता था कि शायद लिसा लौटकर वापस आ जाएगी। वेडिंग वीडियो में सैंडी ने एक फ्रेम पर पॉज किया और वो कहता है कि जब तुम उसे प्रपोज कर रहे थे तो लिसा का चेहरा इस तरीके से था कि वो तुम्हारे साथ कमिट करने के लिए रेडी नहीं थी। सैंडी उसे कहता है कि तुम्हें और भी लड़कियों को जाकर मिलना चाहिए, फिर से डेटिंग करनी चाहिए। रूपन कहता है कि अब मुझे डेटिंग में इंटरेस्ट नहीं है, मैं अब एक हस्बैंड की तरह रहना चाहता था। सैंडी फिर उसे एक पार्टी में लेकर जाता है। पूरे पार्टी में उसी के साथ रहने वाला था पर जैसे वो पार्टी में पहुंचते हैं तो वहां से वो चला जाता है। इस पार्टी में हमारी और एक मेन कैरेक्टर जिसका नाम है पॉली ये सर्विंग का काम कर रही थी। उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि क्या तुम्हें यहाँ पर कोई पसंद आया। पॉली आज किसी को भी ढूंढ नहीं रही थी क्योंकि 2 महीने पहले उसका ब्रेकअप हुआ था। इसी मोमेंट पर रूपन से कुछ नीचे गिर गया और पॉली ने उसे नोटिस किया। उसके पास आकर कहती है कि क्या तुमने मुझे पहचाना, हम दोनों हाई स्कूल में साथ ही में थे। रूपन को भी वो याद आती है, पॉली हाई स्कूल में बहुत ही स्मार्ट हुआ करती थी। पॉली उसे कहती कि तुम्हारी तो शादी वगैरह सब कुछ हो चुकी होगी। रूपन उसे झूठ कह देता है कि अब तक तो उसे कोई भी मिली नहीं।
उन दोनों में अच्छी बात चल रही थी, तो सैंडी को इमरजेंसी आ गई और उन्हें वहां से जाना पड़ा। कल पॉली से मिलने के बाद रूपन को अब लग रहा था कि शायद मूव ऑन करने के लिए रेडी है, अब वो शायद पॉली को डेट कर सकता है। सैंडी से कहता है कि तुम्हारी मिस्टेक होगी, पॉली जब स्कूल में थी वो बहुत ही स्मार्ट थी, पर अब तुम देख रहे हो कि उसकी हालत कुछ अलग है, इसका मतलब है उसमें कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगा। रूपन उसकी बात नहीं मानता और अपने हाई स्कूल से उसने पॉली का नंबर निकाला। उसे बहुत करेज जुटाकर कॉल करने की कोशिश करता है, पर जैसे ही पॉली हेलो कहती है तो डर जाता है और उसने फोन रख दिया। पॉली फिर से उसे कॉल बैक करती है, तब रूपन की आंसरिंग मशीन पर मैसेज आया और इस मैसेज की वजह से पॉली को पता चल गया कि रूपन ने उसे कॉल किया था। अगले दिन वो पॉली का पता निकाल कर उसके घर के सामने जाता है। उसके पास आकर वो प्रिटेंड करता है कि कोइंसिडेंटली वो दोनों मिल गए। पॉली कहती है कि कल शायद तुमने मुझे कॉल किया था। रूपन कहता है कि आजकल फोन कंपनीज कुछ भी मिस्टेक कर देती है। रूपन उसे डेट के लिए पूछता है। पॉली ने कहा कि मुझे अपना शेड्यूल चेक करना पड़ेगा, इसको लेकर वो श्योर नहीं थे। रोहन को भी बुरा लगा पर वो वहां से चला जाता है। अपने ऑफिस में जब वो काम कर रहा था तो पॉली उसे कॉल करती है। वो कहती है कि शायद वीकेंड पर मैं फ्री हूँ तो हम दोनों डिनर के लिए जा सकते हैं। रोहन उसे कहता है कि तुम ही रेस्टोरेंट पिक कर लो। पॉली फिर से भी चढ़ गई और कहती है कि मुझे मेरा शेड्यूल चेक करना पड़ेगा, उसी के बाद मैं तुम्हें कन्फर्मेशन दे पाऊंगी। इसके बाद बार बार एक दूसरे को इनके कॉल चलते रहे और फाइनली एक रेस्टोरेंट पर वो डिसाइड करते हैं। रूपन सैंडी के रियल सेल पर गया था। सैंडी सारा अटेंशन खुद के लिए चाहता था, किसी और को सिंग भी नहीं करने देता। रूपन पॉली के बारे में सैंडी को बताता है तो सैंडी ने कहा कि तुम्हें पॉली को रेस्टोरेंट चूज नहीं करने देना चाहिए था। रूपन की स्टमक प्रॉब्लम को देखकर अगर पॉली ने स्पाइसी रेस्टोरेंट चूज किया तो उसे प्रॉब्लम आ जाएगा। रूपन रेस्टोरेंट पर पहुंचा तो एक अरेबिक रेस्टोरेंट था जहां पर एक ही थाली से खाना खाना था। इस खाने में थोड़ी सी भी हाइजीन नहीं थी जो रूपन को अच्छा नहीं लगता। इतने सारे सालों में पॉली बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज घूम कर आई थी। रूपन को लगता है कि शायद वो पीस कॉर्प के लिए काम कर रही थी क्योंकि हाई स्कूल में उसमें वो इंटरेस्टेड थी, पर पॉली कहती है कि मुझे सिर्फ घूमना अच्छा लगता है। यहाँ का खाना खाकर रूपन को बहुत ही ज्यादा स्वेट आता है। पॉली उसे कहती है कि तुम जैसे दिखते हो तो हमेशा से लगता था कि तुम्हारी शादी बहुत ही जल्दी हो जाएगी। वो पॉली से पूछता है कि तुमने क्यों नहीं शादी की। पॉली कहती है कि किसी भी चीज को लेकर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करने से वो जरा डरती है, इसी वजह से डेट को आने के लिए भी उसने बहुत बार कैंसिल किया था। रूपन का पेट खराब हो गया और उसे बाथरूम जाना पड़ता है। वो दोनों पॉली के घर पर आए तो पॉली कहती है कि तुम मेरे साथ ऊपर चल सकते हो। इसके बाद वो बाथरूम में गया। बाथरूम में वो कुछ आवाज ना करे इसका बहुत ट्राई करता है। उसने टिश्यू पेपर निकालने की कोशिश की पर वो खत्म हो चुका था, उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। अलग अलग चीजें वो देखने लग जाता है और वहां पर उसे एक रुमाल मिला। इस रुमाल से उसने खुद को साफ किया और वो टॉयलेट में उस रुमाल को डाल देता है, जिसकी वजह से क्लॉगिंग हो गई, सारा पानी बाहर आने लग गया था। पॉली ने देखा तो रूपन उस रुमाल को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। एक्चुअल में रुमाल उसकी ग्रैंड मदर का था। जिस चीज से वो क्लीन कर रहा था ये भी $200 की थी। इनके वियर्ड से डेट यहीं पर खत्म हो जाती है। अगली सुबह रूपन सारी चीजें सैंडी को बता रहा था। वो कहता है कि शायद अब हम दोनों फिर से कभी भी नहीं मिलेंगे। रूपन के ऑफिस में उसका क्लाइंट लेलैंड आता है। रूपन उसे पूछता है कि आप जो हमेशा रिस्की स्पोर्ट्स करते रहते हैं ये कितना रिस्की होता है। लेलैंड ने कहा कि जो भी चीज मैं करता हूँ इसमें मुझे कुछ भी नहीं होगा, तुम सेफ रह सकते हो। वो फिर लिफ्ट से बिल्डिंग के ऊपर आ गया, उसे एक वॉकी टॉकी देता है और कहता है कि अब मैं यहाँ से जंप मारने वाला हूँ। वो पैराशूट से जंप मारने का ट्राई कर रहा था। रूपन उसे रोक पाता तभी उसे पॉली का कॉल आ जाता है। पॉली उसे कहती है कि हमारी फर्स्ट डेट वियर्ड थी पर हम फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। इसी मोमेंट पर लेलैंड ऊपर से जंप मार देता है। वो एक ट्री में अड़क गया और रूपन को उसे बचाने के लिए जाना पड़ा। अपनी नेक्स्ट डेट के लिए पॉली रूपन को एक इंडियन रेस्टोरेंट में लेकर आई थी। उसे स्पाइसी खाना तो अच्छा नहीं लगता पर फिर भी पॉली के लिए वो सब कुछ चीजें मान जाता है। वो पॉली के लिए एक ब्रश भी लेकर आया था। इसी जगह पर रूपन के पेरेंट्स भी डिनर करने के लिए आए हुए थे। रूपन की मदर कहती कि मैं बिलीव नहीं कर पा रही कि तुम ऐसे रेस्टोरेंट में आए हो। मदर पॉली से पूछती है कि वो करती क्या है, तो उसने कहा कि मैं एक टीचर हूँ। मदर ने कहा कि मैं लिसा के मदर से मिली थी, वो वहां पर बहुत ही एंजॉय कर रही है। रूपन इस बात को टालना चाहता था क्योंकि पॉली को इसके बारे में पता नहीं है। पॉली पूछती कि लिसा कौन है, तो मदर ने सब कुछ सच सच बता दिया। रूपन अनकंफर्टेबल हो गया और वहां से वो चले जाते हैं। रूपन कहता है कि मुझे तुम्हें पहले ही सब कुछ बता देना चाहिए था पर यह बहुत ही एम्बैरेसिंग था, इसी वजह से मैं तुम्हें कुछ भी बता नहीं पाया। पॉली इस बात को समझ सकती थी। उसे पूछते हैं कि इस इंसिडेंट को हुए कितना टाइम हुआ। रूपन कहता है कि अभी सिर्फ 2 ही वीक हुए है। पॉली को उसके लिए बहुत बुरा लगता है और उसे हक करती है। एक रात पॉली ने उसे एक क्लब का एड्रेस दिया और वहां पर डांसिंग के लिए बुलाया। वहां पर पूछने के बाद रूपन देखता है कि जुम्बा डांसिंग का क्लब है। पॉली ने रूपन के साथ डांस करने की कोशिश की पर रूपन को कुछ भी आता नहीं था। पॉली का एक फ्रेंड वहां आकर उसे डांस के लिए पूछता है और फिर वो दोनों डांस करने लग गए।
वो जिस तरीके से डांस कर रहे थे ये देखकर रोबन को बहुत बुरा लग रहा था। वो पॉली से कहता है कि मुझे जाना पड़ेगा। पॉली उसे पूछती है कि क्या तुम यहाँ पर एंजॉय नहीं कर रहे। रोबन कहता है कि तुम जिस तरीके से डांस कर रहे थे ये मुझे अच्छा नहीं लगा, शायद हम दोनों को एक दूसरे को डेट नहीं करना चाहिए। पॉली कहती है कि अब तक तुमने अपने बारे में मुझे कुछ भी बताया नहीं है। रोबन कहता है कि मैं हर एक चीज में रिस्क देखता हूँ, तुम जिस रेस्टोरेंट में मुझे लेकर जाती हो वहाँ का स्पाइसी फूड मुझे अच्छा नहीं लगता। इसके बाद वो दोनों घर पर आए और इंटीमेट हो जाते हैं। काम पर पॉली की फ्रेंड उसे बता रही थी कि तुम्हें सिर्फ रूबन के लिए जरा बुरा लग रहा था, इसी वजह से तुम उसके साथ इंटीमेट हुई। पॉली कहती कि ऐसा नहीं है, वो एक्चुअल में बहुत ही अच्छा पर्सन है, वो अपने जॉब को लेकर अपनी लाइफ को लेकर बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है, ऐसे किसी के साथ भी मैं कभी भी डेट पर नहीं गई थी। उसे अब लगता है कि शायद रूबन उसके लिए सही रहेगा। इसके बाद उन दोनों की रिलेशनशिप आगे बढ़ रही थी। एक रात जब वो साथ थे तो पॉली देखती कि रूबन अपने पिलोज को निकाल रहा है। उसे कहती है कि अगर तुम्हें पिलोज को निकालना था तो उन्हें रखने का पॉइंट क्या था। रूबन कहता है कि हमेशा लिसा ऐसे ही रखती थी और वो अच्छे भी लगते हैं, इसी वजह से मैंने कभी भी उसे डिस्टर्ब नहीं किया। पॉली को ये बात बहुत ही वियर्ड लगी। वो किचन में जाकर एक नाइफ लेकर आती है, कहती कि तुम्हें इन पिलो को छीरे डालना चाहिए, इससे तुम्हें बहुत ही अच्छा लगेगा। रोबन को ये बात बहुत ही स्टूपिड लगी, पर फिर वो कर देखता है। उसे एक्चुअल में बहुत ही अच्छा लग रहा था। लिसा के ऊपर का उसका जो भी गुस्सा था ये सब कुछ वो पिलोज पर निकाल देता है। एक रात वो दोनों फिर से सालसा डांसिंग के लिए जाते हैं। वो वॉशरूम में था तभी पॉली के फ्रेंड से मिलता है। उसे कहता है कि जिस तरीके से तुम पॉली के साथ डांस करते हो ये मुझे अच्छा नहीं लगता, पहले तुम्हारे जैसे आदमी की वजह से मेरी वाइफ मेरे लाइफ से चली गई, अब मैं पॉली को तुम्हारी वजह से खो नहीं सकता। पॉली का फ्रेंड उसे कहता है कि मैं के हूँ। रोबन इस बात से सरप्राइज था और उसे कहता है कि क्या तुम मुझे डांस करना सिखा सकते हो। वो फिर उसके साथ डांसिंग के लेसन लेने लग गया। रोबन के ऑफिस में सब लोग एकदम प्रोफेशनल अटायर पहन कर आते थे। पॉली जैसी थी वैसे उसके पास आ जाती थी। पॉली ने रोबन के कंप्यूटर पर देखा तो वहां पर एक प्रॉब्लम था जो रिस्क असेस करता है। यहाँ पर लेलन जो भी चीजें करता है इस सब के बारे में लिखा हुआ था। पॉली कहती कि बेस जंपिंग तो बहुत ही अच्छी लग रही है। रोबन कहता है कि वो बहुत ही ज्यादा रिस्की होता है, रिस्क की वजह से वो कभी भी कुछ भी चीज ट्राई भी नहीं करता था। नेक्स्ट दिन में रूबन लेलन के साथ खेलने के लिए आया था। उसे कहता है कि जिस तरीके से तुम अपनी लाइफ जीते हो अगर ऐसा ही तुम कंटिन्यू करोगे तो हम तुम्हें इंश्योरेंस नहीं दे पाएंगे। लेलन कहता है कि पहले तुम्हें मुझे जान लेना चाहिए, इसके बाद अपना डिसीजन देना चाहिए। मैं नेक्स्ट वीक सेलिंग के लिए जा रहा हूँ, वहां पर तुम आ सकते हो। रात में रूबन इसके बारे में पॉली को बताता है। पॉली इस बात से बहुत ही एक्साइटेड हो गई, कहती कि वहां पर जाने में तो बहुत मजा आएगा। उसने खुद को इनवाइट कर लिया। रोबन कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि फ्यूचर के लिए तुम प्लान कर रही हो। बार में नट्स का बॉल पड़ा हुआ था तो पॉली उसे खा रही थी, पर रोबन उसे रोक लेता है। कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, अगर तुम ऐसे इसमें खा लोगे तुम्हें बहुत सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं। पॉली फिर भी उसकी बात नहीं मानती और खा लेती है। आज रात भी वो डांसिंग के लिए आते हैं। रूबन ने अपनी स्किल से पॉली को इम्प्रेस कर दिया। पॉली उसके प्यार में पड़ रही थी। वो दोनों रूबन के घर पर आते हैं, पर अचानक से वहां पर लिसा वापस आ चुकी थी। पॉली ने कहा कि तुम दोनों को बात करनी चाहिए। पॉली कहती कि तुम्हें इस तरीके से छोड़ना ही बहुत बड़ी गलती थी। वो फिर से अपनी लाइफ उसके साथ कंटिन्यू करना चाहती थी। रूबन कहता है कि तुम मुझे छोड़कर चली गई थी और अब मैं मेरी लाइफ में मूव ऑन कर चुका हूँ, और सारी चीजों के बारे में सोचने के लिए उसे जरा टाइम चाहिए था। अगले दिन लिसा उसके लिए गिफ्ट भेजती है। जब रूबन ने अपार्टमेंट को लीज किया था उसी का एक फ्रेम था। रूबन बहुत ही कंफ्यूज हो गया था तो अपने फ्रेंड सैंडी के पास आया। वो एक आइडिया करते और रूबन अपने प्रोग्राम में पॉली और लिसा दोनों को डालकर कंपेयर कर रहा था। सारी चीजें देखने के बाद पॉली के साथ रिलेशनशिप में रिस्क कम थे। रूबन पॉली को सेलिंग ट्रिप के बारे में कॉल करता है। पॉली उसे कहती है कि अगर तुम लिसा के साथ रहना चाहते हो तो माइंड नहीं करेगी। रूबन कहता है कि उसके पास मैं वापस नहीं जाना चाहता, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। इसके बाद फिर वो सेलिंग ट्रिप पर गए। अचानक से वहां पर तूफान आ जाता है और वो दोनों नीचे आ गए। एक्सीडेंटली रूबन का लैपटॉप खुल गया था तो वहां पर पॉली ने उसका और लिसा का कंपैरिजन देखा। पॉली उसे कहती कि तुम ये सब कर क्या रहे हो, हम दोनों में वैसे भी कोई भी फ्यूचर नहीं है। वो किसी भी चीज को लेकर कमिटमेंट करने से हमेशा डरती थी और अब भी डर रही थी। रूबन कहता है कि तुम बिना प्लान के अपनी लाइफ में जी रही हो, पर इस तरीके से जिंदगी नहीं कटती, हम शादी कर एक स्टेबल लाइफ जी सकते हैं। पॉली इस सब बात के लिए मना करती है। उसे कहती कि तुम्हें लिसा के पास वापस जाना चाहिए। एक रात रूबन को लिसा ने फिर से कॉल किया। सैंडी का प्ले था तो रूबन लिसा को अपने साथ लेकर आया। यहाँ पर वो पॉली के फ्रेंड से मिलता है। फ्रेंड कहता है कि तुम दोनों की फाइट के बाद वो बहुत ही अपसेट थी। रूबन कहता है कि मैं उसे कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ पर वो मेरा फोन पिकअप नहीं कर रही। फ्रेंड कहता है कि अब तो बहुत ही लेट हो चुका है, वो 2 घंटे में इस शहर से हमेशा के लिए जाने वाली है। सैंडी का शो स्टार्ट होने से पहले शो के लोगों के साथ उसका झगड़ा हो जाता है क्योंकि उसमें ईगो बहुत ज्यादा था। सब लोग उसके पास आ गए पर इस बार रूबन के फादर उससे बात करते हैं। कहते हैं कि तुम बहुत सालों पहले स्टार थे,
पर अब तुम कुछ भी नहीं हो, तुम्हें इस मोमेंट में जीना चाहिए, क्योंकि पास्ट के बारे में सोचकर कोई फायदा नहीं होता, और फ्यूचर जब तुम प्लान करते हो तो वैसा वो कभी भी होता नहीं। शायद तुमने कुछ और सोचा था और उससे भी बेटर तुम्हें कुछ मिल जाता है। अपने फादर के वर्ड सुनकर रूबन को रियलाइज हुआ कि लिसा के साथ वो एक पास्ट में जी रहा था। इस मोमेंट में वो पॉली के साथ ही रहना चाहता है। वो लिसा के साथ अब ब्रेकअप कर वहां से चला जाता है। रूबन को उसके बॉस का कॉल आया और उसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। रूबन ने उस मीटिंग में सैंडी को भेज दिया क्योंकि उसे पॉली को रोकने के लिए जाना था। सैंडी प्रेजेंटेशन देता है, ये प्रेजेंटेशन उन्हें अच्छा लगता है और रूबन के फर्म को बहुत बड़ा प्रॉफिट हो गया था। बॉस सैंडी को भी हायर कर लेते हैं। रूबन भागते भागते पॉली के घर के पास आया, पर टैक्सी कर आगे चली गई। वो डोर में देखता है तो पॉली अपने पेट को भूल गई थी। वो उसे लेकर घर जा रहा था, पर पॉली वापस आ गई। रूबन उसे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। पॉली कहती कि मैं कोई भी कमिटमेंट नहीं चाहती और तुम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। पॉली मान नहीं रही थी तो प्रूफ करने के लिए कुछ नट्स बाय करता है। ये उसने नीचे जमीन पर फेंक दिए और इसे वो खाने लग जाता है। रूबन कहता है कि अगर अभी तुम शादी नहीं करना चाहती तो हम फ्यूचर का बाद में सोचेंगे। पॉली उसकी बात मान जाती है। इसके बाद उन दोनों को हम एक वैकेशन पर देखते हैं। उनके पास क्लॉड फिर से आता है। क्लॉड ने रूबन से पूछा कि क्या ये तुम्हारी वाइफ है। रूबन कहता है कि हम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हैं, पर पॉली कहती है हम दोनों की रिलेशनशिप उससे बहुत ज्यादा है। अब वो फाइनली एक कमिटेड रिलेशनशिप के लिए रेडी हो गई थी। क्लॉड उन्हें फिर से डाइविंग के लिए बुलाता है, पर पॉली ने कहा कि हम लेलैंड के साथ सेलिंग के लिए जा रहे हैं, जो बहुत ही रिस्की था, पर फिर भी अपनी लाइफ में वो रिस्क उठाना सीख गए थे। इसी मैसेज के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाने मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।